मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह राज्य उत्तराखंड आ रहे हैं। सीएम योगी का ये उत्तराखंड दौरा 3 दिन का होगा। इस दौरे की खास बात यह है कि सीएम योगी अपने गृह ब्लॉक यमकेश्वर का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा योगी पंचूर में अपने पैतृक घर जाकर अपनी मां और स्वजनों से मुलाकात भी कर सकते हैं। सीएम योगी और क्या क्या करेंगे देवभूमि के इस दौरे पर, आइए आपको बताते हैं। सीएम योगी के दौरे में सरकारी और निजी कार्यक्रम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक पहला सरकारी कार्यक्रम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज विथ्याणी में होगा। इस दौरान योगी अपने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। दोपहर 3 बजे शुरू होने वाला ये कार्यक्रम करीब 1.5 घंटे तक चलेगा। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद सीएम योगी अपने गांव पंचूर जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक गांव और परिवार के कार्यक्रम को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। पंचूर में उनकी मां सावित्री देवी, बड़े भाई मानवेंद्र और छोटे भाई महेंद्र का परिवार रहता है। जबकि 4 मई को भी योगी अपने गांव में रह सकते हैं। इसके अलावा ऐसी खबरें हैं कि वो अपने पैतृक घर के उसी कमरे में रुकेंगे जहां वो अपने बचपन में रहा करते थे। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि वो चुनाव के बाद अपनी मां से मिलने जरूर जाएंगे। इसके अलावा 5 मई को हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में यूपी से उत्तराखंड को मिले अलकनंदा होटल का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री परिसंपत्तियों के मामले में फाइनल हैंडओवर कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी 5 साल पहले यानी 11 फरवरी 2017 को आखिरी बार अपने घर आए थे। तब से उनकी मां और स्वजन उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। योगी अपने पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर भी घर नहीं आए थे। बहरहाल सरकारी और दोनों राज्यों के संबंधों की दृष्टि से देखें तो काफी समय से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के विवाद को लेकर अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार होने से पहले कार्यकाल में जहां परिसंपत्तियों का मसला सुलझा, तो वहीं दूसरे कार्यकाल में बात परिसंपत्तियों के हैंडओवर तक पहुंच चुकी है।